2024 की लड़ाई किन मुद्दों पर होने वाली है? आज प्रधानमंत्री मोदी ने भोपाल में साफ कर दिया है, 23 जून को पटना में विपक्षी दलों ने एकजुटता दिखाई थी, उस वक्त प्रधानमंत्री अमेरिका में। आज प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्षी दलों पर भी तीखे प्रहार किए। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्षी एकता की कोशिश को फोटो सेशन बताया। उन्होंने विपक्षी दलों के नेताओं के नाम लेकर परिवारवाद पर हमला किया। पीएम मोदी ने विपक्षी दलों को करप्शन के मुद्दे पर घेरा। प्रधानमंत्री ने हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी दी। आपको गांधी परिवार के बेटे बेटी का विकास करना हो तो फिर कांग्रेस को वोट दीजिए। आपको मुलायम सिंह जी के बेटे का भला करना है तो फिर समाजवादी पार्टी को वोट दीजिए। अगर आप लालू परिवार के बेटे बेटियों को उनका भला करना चाहते हो तो आरजेडी को वोट दीजिए। आपको शरद पवार जी की बेटी का भला करना हो तो आप एनसीपी को वोट दीजिए। लेकिन लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको अपने बेटे का, अपनी बेटी का, अपने पोते का, अपनी पोती का, अपने नाते का, अपनी नाती का, अगर आपको अपने परिवार के बच्चों का भला करना है तो आप वोट भाजपा को दीजिए। प्रधानमंत्री मोदी ने आज विपक्ष की दुखती रख भर उंगली रखी, इसीलिए विपक्षी नेता परेशान है, पलटवार कर रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने क्या कहा, आइए देखते हैं। एकता को देखकर तो प्रधानमंत्री वाकई में बौखलाए हुए हैं, घबराए हुए हैं। प्रधानमंत्री को समझ में नहीं आ रहा है कि इसके बारे में वो क्या करें। शायद उनको रात को सपने में भी विपक्ष के नेता आ रहे होंगे, क्योंकि ये सच है कि जब समूचा विपक्ष खड़ा हो जाता है तो प्रधानमंत्री के पास कोई चारा बचा नहीं है। प्रधानमंत्री के जुमलों से सब लोग वाकिफ हैं।